तो गाइस आज मैं एंशिएंट सिटी को पूरा लूट कर जाऊंगा, भले ही वार्डन आ जाए या वार्डन का पूरा खानदान, क्योंकि मेरे पास है नेदरराइट के आर्मर्स और शार्पनेस 5 की स्वॉर्ड। तो लेट्स गो। ये देखिए सल्क स्ट्राइकर आ गया, ये मेरा क्या है। अरे भाई वार्डन आ गया है, क्या कर लेगा भाई, देख मेरे पास शार्पनेस 5 स्वॉर्ड। अरे अरे भाई ये मेरा तो हट। तो हे गाइस कैसे हैं आप सभी लोग, तो उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो गाइस वार्डन का तो हम नेक टू नेक फाइट में कभी हरा नहीं सकते हैं, लेकिन ट्रैप में फंसा कर जरूर हरा सकते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसे ट्रैप्स के बारे में जिससे आप वार्डन को आसानी से किल कर सकते हैं। और गाइस ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गए हैं, क्योंकि मैं एंशिएंट सिटी में इन सारे ट्रैप्स को बनाऊंगा और इसमें वार्डन को सर्वाइवल मोड में फंसा कर भी दिखाऊंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस ट्रैप को बनाने के लिए सिंपली आपको प्रेशर प्लेट ऐसे रखने जाने हैं जैसे मैं रख रहा हूँ। इसके बाद आपको इसके ठीक बगल बगल में पिस्टन ऐड कर देने हैं। इसके बाद आपको अगल बगल यहाँ पर भी रखने होंगे। इसके बाद जहाँ जहाँ पिस्टन है वहाँ पर आपको 4 ब्लॉक्स ऊपर जाना होगा। ये देखिए 4 ब्लॉक्स में ऊपर चला गया। उसके बाद आपको ऐसा एक बाउंड्री टाइप बनाना होगा। तो गाइस आप देख सकते हैं कि 3 ब्लॉक्स ऊपर यानी कि 4th ब्लॉक पे मैंने ये बाउंड्री टाइप या रूफ टाइप बना दी है, जिससे कि वार्डन अगर आए तो इसके उस पार नहीं जा पाए, क्योंकि वार्डन की हाइट एटलीस्ट 3 ब्लॉक्स की होती है, इसलिए वो इसके आर पार नहीं जा पाएगा। इसके बाद आपको जो थोड़ा मोड़ा अगल बगल का स्पेस बच रहा है वहाँ पर बाउंड्री टाइप बना देनी है। देखिए जैसे मैं कर रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा जगह बचा था ताकि अगर वार्डन प्रेशर प्लेट के ऊपर नहीं जाए तो ये इधर से आ ना पाए। तो ये देखिए मैं एक बाउंड्री बना देता हूँ फिर से। और गाइस अब आप सोचेंगे कि अगर मैं इस पार जाऊँगा तो मैं भी फंस जाऊँगा और वार्डन मुझे आकर मार देगा, लेकिन नहीं, आप इसके उस पार जा सकते हैं लेकिन वार्डन नहीं जा सकता है। ये देखिए मैं इसके उस पार जा पा रहा हूँ लेकिन वार्डन की हाइट ज़्यादा है इसलिए वो नहीं जा पाएगा और आपका ट्रैप पूरी तरह कम्प्लीट है। तो गाइस अब बारी है वार्डन को जाने की। नाइट विजन पोर्शन इस टेप की रखी है ताकि बहुत ही क्लियर दिखाई दे, वार्डन को अपने पीछे भगा कर भी इस ट्रैप में फंसा सकते हैं। तो मैं एरो से इसे मार कर फिर फंसा कर आपको दिखाऊंगा। तो ये देखिए मैंने एरो से शूट कर दिया है और अब वार्डन पीछे जरूर आएगा। और ये देखिए वार्डन आ रहा है और मैंने यहाँ पर वार्डन को ट्रैप में फंसा दिया। ये देखिए और कुछ इसी टाइप से आप वार्डन को फंसा सकते हैं। ये देखिए वार्डन मेरे तरफ आने की कोशिश कर रहा है लेकिन फिर भी वो मेरी तरफ आने पा रहा है। उसके बाद आप इन्फिनिटी और पावर 5 की बो से इसे शूट कर सकते हैं और आसानी से किल कर सकते हैं। इस ट्रैप को बनाने के लिए आपको सिंपली 4x2 का होल करना होगा जिसे मैं कर रहा हूँ। इसके बाद आपको इस होल को 2 ब्लॉक्स और नीचे ले जाना होगा। अब आपको 2 ब्लॉक्स हाई पाउडर स्नो प्लेस करनी है। तो देख सकते हैं मैंने पाउडर स्नो प्लेस कर दिया। इसके बाद आपको ट्रैप डोर लगा देना है। इसके बाद इसको बंद कर देना है। ये देखिए ऐसे ही इस साइड भी आपको लगा कर फिर बंद कर देना है इसके अपोजिट साइड। और अब आपका ट्रैप कंप्लीट है। आपको यहाँ से वार्डन को भगाते लेके आना है और वो खुद ब खुद इस ट्रैप में फंस जाएगा और धीरे धीरे वो मर जाएगा। इस ट्रैप के लिए आपको ये मेक श्योर करना होगा कि इसके बगल में आने के लिए जगह नहीं हो, लेकिन अगर इसके बगल में आने के लिए जगह होगी तो वार्डन यहाँ से आकर आपको मार देगा। और ये देखिए ये केवल और केवल 4 ब्लॉक वाइड है इसलिए मेरा ट्रैप कंप्लीट हो गया है। इस ट्रैप को बनाने के लिए आपको सल्क श्रीकर के पास एटलीस्ट 16 ब्लॉक्स का होल करना होगा।
लेकिन अगर 16 ब्लॉक से पहले ही बेडरॉक आ जाए तब भी जितना तक आप होल्ड कर सकते हैं उतना तक आप होल्ड कर दें। सो गाइस मेरे केस में तो 10th ब्लॉक में ही बेडरॉक आ गया। इसके बाद आपको डर्ट प्लेस कर देनी है, जहाँ तक आपने होल्ड किया है उसके बाद आपको डर्ट प्लेस कर देनी है। सो गाइस देख सकते हैं कि मैंने डर्ट प्लेस कर दिया है और अब ये होल 9 ब्लॉक्स का हो चुका है, क्योंकि एक ब्लॉक्स की लेयर मैंने डर्ट की लगा दी है। इसके बाद आपको ये लीफ प्लेस करते जानी है, ये ड्रीप लीफ है। आपको यहाँ तक जहाँ तक आपने होल किया है उस लेवल तक आपको ये लीफ प्लेस कर देनी है। इस ट्रैप की लंबाई चौड़ाई आप एडजस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन आपको ये मेक श्योर करना होगा कि जब वार्डन स्पॉन हो उससे पहले आप एटलीस्ट 6 ब्लॉक्स ऊपर चले जाएंगे, क्योंकि वार्डन की सोनिक बूम की लेयर 15th या 16th ब्लॉक तक होती है। सो गाइस अब बेसिकली आपका ट्रैप रेडी है। मैंने 6 ब्लॉक इसलिए ऊपर चुना क्योंकि ये होल 9 ब्लॉक्स का ही है, और अगर मैं होल के पास से वार्डन को शूट करूँगा तो वार्डन मुझ पर सोनिक बूम छोड़कर मुझे मार सकता है, इसलिए मैं थोड़ा और ऊपर गया और अब मैं यहाँ से शूट कर सकूँगा वार्डन को। इस ट्रैप को बनाने के लिए आपको चाहिए केवल और केवल एक वाटर बकेट। जी हाँ, इसके लिए केवल और केवल आपको एक वाटर बकेट चाहिए। जैसे ही वार्डन आपके पीछे भागते हुए आएगा आपको वाटर प्लेस करना होगा, और वार्डन वाटर के उस पार नहीं जा पाएगा। और इसके लिए आपको एक बात का और ध्यान रखना होगा कि जिस जगह पर आप वाटर प्लेस करेंगे उसके अगल बगल ये क्लोज प्लेस होना चाहिए। जी हाँ, यानी कि दोनों तरफ बंद होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर है। मैं आपको करके दिखाता हूँ कि ये ट्रिक काम कैसे करती है। सो गाइस आप देख सकते हैं कैसे मैंने वार्डन को वाटर बकेट ट्रैप में फंसा लिया है, और मैं वार्डन से 16 ब्लॉक से ज़्यादा की दूरी पर हूँ, इसलिए वो मुझ पर सोनिक बूम भी नहीं छोड़ पा रहा है। इस ट्रैप को बनाने से पहले सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि जिस प्लेस पर आप बना रहे हैं वो दोनों तरफ से घिरी हुई हो, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं दोनों तरफ बंद है। इसके बाद आपको 2x3 का होल करना होगा। इसके बाद आपको इस होल को 2 ब्लॉक और नीचे ले जाना होगा। सो गाइस आप देख सकते हैं कि मैंने 2x3 का होल कर दिया है, वो भी 3 ब्लॉक स्टीप। उसके बाद आपको एक ब्लॉक छोड़कर प्रेशर प्लेट रख देनी है। अब आपको 3 ब्लॉक्स ऊपर जाना होगा और कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करना होगा जैसा मैं कर रहा हूँ। सो गाइस आप देख सकते हैं कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म आपको भी तैयार करना है, यानी कि होल के ठीक ऊपर 3 ब्लॉक्स का आपको ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करना है। उसके बाद आपको पिस्टन कुछ ऐसे रखना है कि ये आपके तरफ फेस करें। इसके अपोजिट साइड में कुछ आपको ऐसे ही पिस्टन फेस करना है कि दोनों पिस्टन आमने सामने हों। अब आपको ये टेम्प्रोरी ब्लॉक्स तोड़ देने हैं। अब आपको प्रेशर प्लेट के ठीक एक ब्लॉक इधर डायगोनली ऊपर जाना होगा और कुछ स्टेयर जैसा आपको शेप देना होगा कुछ ऐसे, ताकि ये पिस्टन तक पहुंच जाए। और ये देख सकते हैं कि पिस्टन तक ये पहुंच चुका है। अब आप कुछ ऐसे रेडस्टोन रख दीजिए जैसे मैं रख रहा हूँ। देख सकते हैं कि मैं रेडस्टोन ऐसे ही रख रहा हूँ, ऐसे ही आपको भी रखना है। उसके बाद आपको उस पिस्टन तक जाने के लिए भी एक प्लेटफॉर्म बनाना होगा। तो ये देखिए मैंने वहाँ तक जाने के लिए भी ऐसा बना दिया है, और आपको जैसे आपने यहाँ पर रखा आपको इस वाले पिस्टन की तरफ भी, इन तीनों पिस्टन की तरफ भी आपको रेडस्टोन रख देने हैं। अब आपको पिस्टन के नीचे वाले टेम्प्रोरी ब्लॉक्स हटा देने हैं, ताकि वार्डन के लिए एटलीस्ट 3 ब्लॉक्स की जगह हो जाए, जिससे कि वो इस पार जा सके। अगर ये टेम्प्रोरी ब्लॉक्स रहेंगे तब वार्डन इस साइड। इसके बाद आप चाहें तो कुछ रिपीटर भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं,
ताकि एक टिक का डिले हो जाए, जिससे आपका ट्रैप और भी एफिशिएंट बन जाए। सो गाइस, आपको ऐसे ही आपको भी रख लेना है, जैसे कि आपका ट्रैप बहुत ही एफिशिएंट बन जाए। और ऐसे ही आपको भी रेडस्टोन प्लेस कर देनी है। और अब देखिए, आपका ट्रैप अभी नहीं कंप्लीट है। अब आपको टॉर्चेस पिस्टन के सामने सामने रख देनी है। जो 6 पिस्टन आपने लगाए हैं, 6 पिस्टन के आगे आपको टॉर्चेस प्लेस कर देनी है। अब टॉर्चेस के ऊपर आपको सैंड प्लेस कर देनी है, और सैंड की हाइट होनी चाहिए 3 ब्लॉक्स। सो गाइस, अब आप देख सकते हैं कि आपका ट्रैप बेसिकली रेडी है, और देख सकते हैं कि ये सैंड 3 ब्लॉक्स हाई होना चाहिए, जिसे वार्डन सफोकेट करे और वो मर जाए। सो गाइस, इस वीडियो में तो आपने देखा कि आप वार्डन को कैसे ट्रैप में फंसा सकते हैं, लेकिन स्क्रीन पर दी गई इस वीडियो पर आप क्लिक कर ये भी देख सकते हैं कि आप मल्टीप्लेयर में अपने फ्रेंड को कैसे ट्रैप में फंसा सकते हैं। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।